गिनती की पुस्तक अध्याय 10, गिनती की पुस्तक अध्याय 10, चांदी की तुरहियों के बनाने और व्यवहार में लाने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरहिया गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने के काम में लाना, और जब वे दोनों फूंकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए, और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बेर सांस बांधकर फूको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उन तुरहियों को फूका करे। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे, और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस्राएलियों का सीने पर्वत से प्रस्थान करना। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया, तब इस्राएली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ था, और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले, और उन सबका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था, और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था, और जुबलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतारा गया, और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति शदेउर का पुत्र एलीशूर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शद्दे का पुत्र शलुमियेल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एल्यासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा किया। फिर एप्रीमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासुर का पुत्र गमलीएल था, और बिन्यामिनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबिदान था। और फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अम्मीशद्दै का पुत्र अखियाजर था, और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र एजिपएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहिरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे, और मूसा ने अपने ससुर रुएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुझको दूंगा, सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे,
क्योंकि यहोवा ने इसराइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिनभर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तीतर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इसराइलियों में लौटकर आ जा।